मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले टर्न पर हमने एम्फीबियन के बारे में चर्चा की। इससे आगे चलते हैं, अब रेप्टाइल्स के बारे में चर्चा करेंगे। रेप्टिलिया, रेप्टिलिया का क्लासिफिकेशन, रेप्टिलिया के कैरेक्टर्स और उस रेप्टिलिया में आने वाले टेस्टुडो, कीलोन और टेरापिन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं रेप्टिलिया के कैरेक्टर्स, रेप्टिलिया के जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन। रेप्टिलिया जो शब्द है वो लैटिन भाषा के रेप्टस शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है क्रीपिंग या क्रॉलिंग या रेंगना, क्रीप करना या रेंग कर चलना, उसको कहते हैं। और रेप्टाइल्स, सभी रेप्टाइल जो है वो रेंग कर चलते हैं। रेंग कर चलने में और चलने में अंतर है। रेंग कर चलना उसे कहते हैं जब चलते समय धड़ या उसका जो उदर है वो जमीन से टच होता हुआ चलता हो और पैरों से इस प्रकार से चले और धड़ जमीन से टच होते हुए चले तो उसे रेंगना कहा जाता है, और जब धड़ ऊपर हो और टांगों पर चला जाए तो उसे चलना या वॉकिंग कहलाता है। सरीसृप स्थल के लिए पूर्णतः अनुकूलित होते हैं, ये कशेरुकी होते हैं। शरीर, सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ चार भागों में विभक्त होता है। इसमें गर्दन भी पाई जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये चार भाग हैं, चौथा भाग भी डेवलप हो गया है, इनमें गर्दन पाई जाती है। दो जोड़ी अग्रपाद होते हैं, अग्रपाद और पश्चपाद होते हैं, और इनमें अग्रपाद और पश्चपाद दोनों में ही पेंटाडेक्टाइलस यानी पांच पांच उंगलियां पाई जाती हैं, और पांच उंगलियों में नख पाए जाते हैं सांपों को छोड़ करके, क्योंकि सांपों में पैर नहीं होते हैं। सभी में लंबी और बेलनाकार शक्तिशाली पूंछ पाई जाती है। त्वचा शुष्क होती है, खुरदरी होती है, ग्रंथि विहीन होती है, लेकिन शल्क युक्त होती है, शल्क इनमें डेवलप हो जाते हैं। स्वचालित जबड़े यानी ऑटोस्टैलिक जो सस्पेंशन होता है, दो नासारंध्र होते हैं, इनकी खोपड़ी में एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल पाया जाता है। तो रेप्टाइल्स के एक जिनके ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होता है वो अपनी गर्दन को धड़ पर 360 डिग्री तक घुमा सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल पाए जाते हैं। एम्फीबियन में भी दो पाए जाते हैं, वो अपनी गर्दन को 360 नहीं घुमा सकते, केवल 180 घुमा सकते हैं। ये शीत रक्त प्राणी होते हैं या कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, अर्थात इनका जो टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर है वो फ्लक्चुएट होता रहता है वातावरणीय टेम्परेचर के अनुसार। केवल फेफड़ों में के द्वारा ही श्वसन करते हैं, इनमें गिल्स नहीं पाए जाते। जो पूरी तरह से टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं, ये पहले ऐसे वर्टिब्रेट हैं जो टेरेस्ट्रियल यानी स्थल पर रहने के अपने आप को पूरी तरह से अनुकूल बना लिया। ये इनमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, लाल रक्त होता है इनका, और चार कोष्ठीय हृदय होता है इनका, चार कोष्ठीय या तीन कोष्ठीय या चार कोष्ठीय होता है, ज्यादातर में तीन कोष्ठीय होता है, लेकिन क्रोकोडाइल्स में चार कोष्ठीय हृदय होता है, यानी दो आलिंद और एक या दो निलय होते हैं। निलय दो भागों में विभक्त हो जाए तो वो दो निलय हो जाते हैं। इसमें दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी कि ब्लड हृदय से निकल करके ब्लड फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए जाता है, शुद्ध होकर के वापस हृदय में आता है और हृदय से फिर शरीर के विभिन्न भागों में सप्लाई कर दिया जाता है। केंद्रक युक्त तो बड़ी बड़ी लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, और वृक्क और यकृत निवाहिका उपतंत्र दोनों पाए जाते हैं। मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है, ये यूरिकोटेलिक प्राणी होते हैं। इनमें मूत्र नलिका मूत्राशय अनुपस्थित होते हैं, गुदा के स्थान पर अवस्कर पाया जाता है, यानी गुदा और यूरिनरी जो यूरेथ्रा है वो अलग अलग नहीं होते, वो एक ही छिद्र के द्वारा बाहर निकलते हैं। और इनमें मैथुन के लिए मैथुनांग पाए जाते हैं। अंतःकरण इनमें उपस्थित होता है, बाह्यकरण और मध्यकरण नहीं पाए जाते। अंतः निषेचन अंडज या जरायुज हो सकते हैं, ये अतिपीतिकी अंडे इनमें पाए जाते हैं, अंडोत्सर्जन स्थल पर इनमें होता है। इनको भ्रूणी विकास के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि पूरी तरह से कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं, इसलिए इनको ये टेरेस्ट्रियल के या स्थल के पूर्णतया अनुकूलित हो चुके हैं। पूर्ण भंजी और समान विदलन लार्वा अवस्था में नहीं पाई जाती है। मैं क्लासिफिकेशन की बात करें तो सरीसृप वर्ग की संसार भर में 9000 प्रजातियां इस संसार में पाई जाती हैं। रेप्टाइल वर्ग को क्लासिफाई अगर कर रहे हैं तो इसमें अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट पब्लिश्ड इन 2014 प्रेजेंटली 9230 स्पीसीज आर इंक्लूडेड इन क्लास रेप्टिलिया। रेप्टिलिया के अंदर ये 9230 प्रजातियां सम्मिलित की जाती हैं, और उन प्रजातियों को इस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लास रेप्टिलिया इज सबडिवाइडेड इनटू 5 सब क्लासेस। सब क्लास फर्स्ट एनाप्सिडा, जिसमें किलोनिया आते हैं, ये सर्वाइव, ये आज की तारीख में जीवित हैं ये। उसके बाद में सब क्लास 2 यूरिप्सिडा, सब क्लास 3 पैरापसिडा, सब क्लास 4 सिनेप्सिडा, ये तीनों विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ये डायनासोर के टाइम पर जुरासिक युग में कभी सक्रिय हुआ करते थे, लाइव हुआ करते थे, सर्वाइव करते थे, लेकिन आज की तारीख में ये सभी मर चुके हैं, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। लेकिन डायप्सिड्स आज की तारीख में जीवित हैं। डायप्सिड्स
रिंकोसेफेलिया, स्क्वामेटा और क्रोकोडलिया ये डायपसिड्स होते हैं। तो रिंकोसेफेलिया में स्फिनोडोन आती है, स्क्वामेटा में लिजर्ड्स और स्नेक्स आते हैं, क्रोकोडलिया में क्रोकोडाइल्स आते हैं। तो इस प्रकार ये था क्लासिफिकेशन रेप्टिलिया का। उसके बाद में अब स्पेसिमेन की बात करें तो टेस्ट्यूडो पहला स्पेसिमेन है, टेस्ट्यूडो रेप्टिलिया का पहला स्पेसिमेन। इसका क्लासिफिकेशन इस प्रकार है, फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा या क्रेनिएटा, डिवीजन नेथोस्टोमेटा, सुपर क्लास टेट्रापोडा, क्लास रेप्टिलिया। रेप्टिलिया क्योंकि रैंकर चलते हैं, ये सब क्लास इनके एनाप्सिडा है, एनाप्सिडा के ऐसे एनिमल जिसमें टेम्पोरल फोसा नहीं पाया जाता, एनाप्सिड्स कह जाते हैं वो। ऑर्डर किलोनिया है, किलोनिया जिसमें कछुए जैसे प्राणी हैं, सब ऑर्डर इनकी थीकोफोरा है और फैमिली इनकी टेस्टुडिनिडी, टेस्टुडिनिडी इनकी फैमिली है और जीनस इसका टेस्टुडो। इसको कॉमनली जीएंट टॉर्टोइस या जीएंट टर्टल के नाम से जाना जाता है। ये विशाल आकार के कछुए होते हैं और ये इनको टेस्टुडो या ये इसका डायग्राम, ये इसका चित्र है डायग्राम, जिसमें ऊपर का जो कवच है ये कवच युक्त तो होता है, पूरा कवच में ही इनका शरीर सुरक्षित रहता है। ऊपर वाले कवच को कैरापेस कहते हैं और नीचे वाले को प्लेस्ट्रॉन कहते हैं। कैरापेस और प्लेस्ट्रॉन इस प्रकार से दोनों मसल की सहायता से चिपके हुए रहते हैं और उनके शरीर इसके अंदर इसकी बॉडी सुरक्षित रहती है, काफी मजबूत होती है। इसमें एक छोटी सी टेल पाई जाती है और खतरे के समय में ये अपने पैरों को और मुंह को, गर्दन को और पूंछ को ये बाहर उसको सिरिंग कर लेते हैं, रिट्रीट कर लेते हैं और उस कवच के अंदर ये सुरक्षित होते हैं। ये डोर्सल और वेंट्रल व्यू हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के ये दिखाए गए हैं। इसमें ये इसका वेंट्रल व्यू है और ये इसका डोर्सल व्यू है। तो ये इसकी पैर हैं और ये पूंछ छोटी सी। इसका भौगोलिक वितरण की बात करें तो ये गैलापागो द्वीप समूह अफ्रीका, भारत और श्रीलंका और यूरोपीय देशों में अधिकता से पाया जाता है। ये जुरासिक एरा से लेकर के आज तक जीवित हैं। स्वभाव और आवास की बात करें तो ये स्वच्छ जल, लवणीय जल में पाए जाते हैं। ये स्थलवासी प्राणी होते हैं, छोटे छोटे कृमि और कीटों को खाता है। ये शीतकाल में सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। टिप्पणी की बात करें तो इसे सामान्यतया दैत्याकार कछुआ या जीएंट टर्टाइज कहा जाता है। इनका शरीर एक विशिष्ट क्रम में सिमटी हुई प्लेटों से बने अंडाकार कवच में बंद रहता है। ये कवच ऊपरी सतह पर इसको कैरापेस कहते हैं और निचली सतह को इसको प्लास्ट्रॉन कहा जाता है। शरीर जो है वो सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ चार भागों में विभक्त होता है। इसके सिर कवच के अंदर और बाहर आ जा सकते हैं, रिट्रीट कर सकते हैं और बाहर एक्सपेंड कर सकते हैं। खतरे के समय में पैर और गर्दन और पूंछ कवच के अंदर से कोड़ लिए जाते हैं। इसके संपूर्ण शरीर पर प्लेट्स पाए जाते हैं। इसका रंग हरा या भूरा होता है। इसके कर्णपट है पर दो आंखें होती हैं। जबड़े में दांत नहीं होते लेकिन कठोर आवरण से ढके हुए रहते हैं ताकि वो किसी चीज को चबाने में आसानी रहती है। वयस्कों में पसलियां कैरापेस से जुड़ी हुई पाई जाती हैं। इनकी क्वाड्रेट्स जो बोन है वो गतिविहीन होती है। इनमें लिंग पृथक पृथक होते हैं, यानी नर और मादा अलग अलग होते हैं। कशेरुकाएं ओपिस्थोसीलस प्रकार की होती हैं, यानी पश्चगर्ती होती हैं। नर के अवस्कर की अधर सतह पर एक शिश्न होता है जो मैथुन के समय काम होता है। अंत निषेचन के बाद में अंड निक्षेपण होता है और कुछ समय बाद में प्रत्येक निषेचित अंडे से शिशु विकसित हो जाते हैं जो रेंगर पानी में आते हैं। ये उस गड्ढे से यानी नेस्ट से लेकर के और पानी में आने तक की जो यात्रा है वो बड़ी खतरनाक होती है इनकी, क्योंकि छोटे बच्चे जब उसमें पानी की तरफ रेंगते हैं तो परवक्षी जो पक्षी हैं वो लेकर के और उनको उड़ जाते हैं और खा जाते हैं। तो ज्यादातर जो बच्चे हैं वो खा लिए जाते हैं परवक्षियों के द्वारा, लेकिन कुछ बच्चे जाते हैं जो पानी में पहुंच जाते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इनका विशिष्ट लक्षण इस प्रकार से, ये अंडज होते हैं यानी अंडे देने वाले प्राणी। कोई भी कछुआ बच्चा नहीं देता। यूरिकोटेलिक सरीसृप होते हैं। ये यूरिकोटेलिक यानी यूरिक एसिड को अपने नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बाहर निकालते हैं। इनके पैर स्थल पर यानी लैंड पर रेंगने के लिए अनुकूलित होते हैं। ये अग्र और पश्चपाद इनके मांसल होते हैं यानी मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। और नखर युक्त उंगलियां केवल दो पर होते हैं। अंडे जमीन को जो है खोद करके गड्ढे में दिए जाते हैं अंडे और मिट्टी से ढक दिए जाते हैं और उंगलियां इनकी जाली युक्त नहीं होती हैं। उसके बाद में दूसरा टॉर्टोइस है किलोन, जिसे सी टर्टिल कहते हैं। किलोन या सी टर्टिल जो समुद्री कछुआ भी कहते हैं। इसका क्लासिफिकेशन इस प्रकार है, फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा या क्रेनिएटा, डिवीजन नेथोस्टोमेटा, सुपर क्लास टेट्रापोडा, क्लास रेप्टिलिया, सब क्लास एनाप्सिडा, ऑर्डर किलोनिया और जीनस किलोन मैडास।
किलोनमेडास, इसे समुद्री कछुआ या ग्रीन टर्टल हरा कछुआ भी कहा जाता है। ये समुद्री कछुआ है, सी टर्टल। इसके ये आगे के पैर, पश्च पैर जो हैं वो फ्लिपर लाइक, पेडल लाइक संरचना में बदल जाते हैं ताकि तैरने में आसानी रहती है, और काफी लंबे समय तक ये पानी से बाहर नहीं निकलते। और ये क्लोइकल, इनमें रेस्पिरेशन की क्षमता पाई जाती है, क्लोइकल रेस्पिरेशन पाया जाता है इनमें। इनकी जो मुंह है उसकी चोंच के समान संरचना में बदल जाती है, और इनका जो कवच है वो छोटा होता है, छोटे आकार के होते हैं शेल। और इनके जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनके जो पैर हैं वो फ्लिपर के जैसी पतवार के समान संरचना में बदल जाते हैं। ये इसका फोटोग्राफ है, एक तैरते हुए टर्टल का, किलोन का, ये तैर रहा है, ये तैरते हुए इस प्रकार की। ये जो अग्रपाद है इसका बिल्कुल इसका पतवार के समान, अपश्वाद भी पतवार के समान ये चेंज हो गए हैं, और पानी में आसानी से तैर सकते हैं ये, और लंबे समय तक पानी में रह सकते हैं। इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये उष्ण कटिबंधीय और या उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों के महासागरों में पाए जाते हैं। ये भारत में प्रशांत महासागर में या अंध महासागर में या अटलांटिक ओशियन में बहुत अधिकता से पाए जाते हैं। ये क्रिटेशियस पीरियड से लेकर के आज तक जीवित हैं। ये स्वभाव और आवास की बात करें तो इन किलोन जो है वो एक समुद्री सरीसृप होता है जो अंडे देने के लिए तट पर आते हैं, पानी के तट पर आना पड़ता है इनको। टिप्पणी है कि ये सामान्यतः हरे या समुद्री कछुए होते हैं, ग्रीन टर्टल या इसको सी टर्टल के नाम से जाना जाता है। इनका, इनकी लंबाई लगभग 110 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इनका शरीर दृढ़ होता है, इसके कवच के ऊपरी सतह पर एक चपटा कैरापेस और अधर सतह पर एक प्लास्ट्रॉन होता है। दोनों कवच परस्पर त्वचा के लिगामेंट से जुड़े रहते हैं, और शरीर जो है वो सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ चार भागों में विभक्त होता है। इसका सिर कवच के अंदर या बाहर आ जा सकता है, रिट्रीट हो सकता है और एक्सपेंड हो सकता है, इस प्रकार की ये व्यवस्था होती है इसके अंदर, तो इसलिए कि परभक्षियों से बचा जा सके। उसके बाद में इसकी आंखें जो है वो सुविकसित पलकों के द्वारा, निमेशक पटल के द्वारा ये ढकी हुई रहती हैं, क्योंकि पानी में तैरते समय निमेशक पटल की आवश्यकता होती है। जबड़ों में दांत नहीं पाए जाते। अग्रपाद और पश्चपाद तैरने के लिए अनुकूलित होते हैं और पतवार के समान काम करते हैं। अग्रपाद डैनो के समान यानी पैडल के समान, छेपड़ी के समान निर्माण हो जाते हैं, निर्मित हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। इनके लिंग पृथक पृथक होते हैं, कशेरुकाएं पश्चगर्ती होती हैं, नर में शिश्न होता है, मैथुनगिका आता है। अंतःनिषेचन के बाद में अंड निक्षेपण हो जाता है, कुछ समय बाद में उसमें से शिशु बाहर आ जाते हैं और रेंगकर पानी में आ जाते हैं। और ये भी समुद्री जो कछुए हैं उनके बच्चों के लिए ये खतरनाक लंबी यात्रा होती है, क्योंकि परभक्षी इनको छोड़ते नहीं है, खा जाते हैं। इनके विशिष्ट लक्षण इस प्रकार से हैं कि समुद्री कछुए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनके कवच विविध कार्यों में काम में आते हैं। इनका मांस स्वादिष्ट होने के कारण इनको खाया जाता है। एक किलो उनका भार लगभग 90 किलोग्राम तक हो सकता है। उसके बाद में तीसरा है फ्रेश वाटर टॉर्टोइस, जिसे टेरापिन भी कहते हैं, फ्रेश वाटर टॉर्टोइस या टेरापिन। इसका क्लासिफिकेशन इस प्रकार है, फाइलम कोर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा और क्रेनेटा, डिवीजन नेथोस्टोमेटा, सुपर क्लास टेट्रापोडा, क्लास रेप्टिलिया, सब क्लास एनाप्सिडा, ऑर्डर किलोनिया, फाइलम फैमिली ट्रायोनिकोइडी, और जीनस टेरापिन या ट्रायोनिक्स, और इसको कॉमनली फ्रेश वाटर टॉर्टोइस के नाम से जाना जाता है। ये इसका नामांकित, इसका डायग्राम है, चित्र है, ये चोंच के समान संरचना, इसका माउथ है, बिल्कुल ट्रायंगुलर माउथ होता है, ये इसकी आईज हैं, और ये इसका पूरा कैरापेस और नीचे वाला ये प्लेस्ट्रॉन, और ये जुड़े हुए हैं इस जगह पर, जो मस्कुलर जुड़े हुए होते हैं, ये इसके ये अग्रपाद हैं जिसमें चार उंगलियां पाई जाती हैं, पांच उंगलियां पाई जाती हैं। और ये इसका डायग्राम है, और ये रियल फोटोग्राफ है ऑफ टेरापिन का। टेरापिन इस प्रकार के दिखाई देते हैं, ये स्वच्छ जलीय कछुए हैं, इनके अंदर ये गर्दन और ये पैर, इनमें पैरों में नाखून पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये, अगर इसके भौगोलिक वितरण की बात करें तो उत्तरी भारत, उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और मलाया द्वीप समूह में दूर दूर तक ये पाए जाते हैं। ये क्रिटेशियस पीरियड से लेकर के आज तक जीवित हैं। स्वभाव और आवास की बात करें तो स्वच्छ जलीय तालाब का सामान्य टेरापिन होता है। टिप्पणी, इसी टिप्पणी कमेंट ये है कि इसे सामान्य या कछुआ या कोमल नदी कछुआ या सॉफ्ट रिवर टेरापिन कहा जाता है। इसका शरीर चपटा होता है, अंडाकार कवच में बंद होता है, त्वचा चिकनी होती है और चर्मिल होती है, सिर नुकीला और उस पर हरे रंग की रेखाएं पाई जाती हैं, होंठ मांसल होते हैं इसके, हॉर्नी चोंच पाई जाती है, हॉर्नी चोंच का अभाव होता है। कैरापेस पसलियों कशेरुक दंड से जुड़ा रहता है। पृष्ठवर्म जिसे कैरापेस कहते हैं का, उसका गठन जो है 9 प्लेटों से होता है और धड़ कशेरुकों के संगत होता है।
प्लेस्ट्रॉन जैसे नीचे वाला जो कवच है अधर कवच, वो अधर सतह से देखा जा सकता है। इसमें एक एपिप्लास्ट्रॉन, एक्टोप्लास्ट्रॉन और हाइपोप्लास्ट्रॉन और जाइफीप्लास्ट्रॉन नाम के कवच होते हैं, वो आपस में जुड़ करके और प्लेस्ट्रॉन बनाते हैं। केवल ग्रीवा और पुष्ट कशेरुका चलायमान होती हैं, पैर चौड़े और जालयुक्त होते हैं, केवल अंदर की तीन उंगलियां नखयुक्त होती हैं। विशिष्ट लक्षण इसका यह है कि ये अंडज होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं, यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं, सरीसृप हैं, रैंकर चलने वाले प्राणी हैं। ये अंडे देने के लिए जमीन पर आते हैं और जमीन खोद करके, गड्ढा खोद करके उसमें अंडे देते हैं और मिट्टी से उसको ढक देते हैं। कठोर कवच होने के कारण इनमें श्वसन की गतियां, बाह्य प्रसरण, मेखलाओं और पादों की गतियां, कंठिका की पंपिंग क्रिया के द्वारा इनमें ये सब कुछ होता है। दिस इज ऑल अबाउट दीज टर्टल्स। थैंक यू वेरी मच।